नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मी ट्रेनर। मैं हूँ सौरभ ठाकुर। चलिए स्टेट पर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कोविड-19 द क्यूरियस केस ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। लेटली आपने देखा हो तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दुनिया के तमाम अखबारों में आपको हेडिंग बनाते हुए दिखा होगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए दुनिया में जो सबसे अधिक ऑप्टिमिस्टिक इंसान अगर होंगे तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ही होंगे। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए ट्रंप साहब इतना एग्रेसिवली एडवोकेट क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वो मैजिकल पिल है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए समर्थ है? एक बार इसको समझते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पूरी कहानी एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। बाय द वे, एक बात आपको बताया, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जितना भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आता है उसका 50% इंडिया एक्सपोर्ट करता है, राइट? चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको एक बार फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप यूट्यूब चैनल एमबीटी सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह का बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के टैब को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जैसे ही वीडियो फिनिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। मेरी लैंग्वेज इनफॉर्मल रहेगी, मैं सिंपल भाषा में आपको इसको समझाने जा रहा हूँ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो कि बेसिकली एक एंटी मलेरियल ड्रग है, आपने अभी इस बीच में देखा होगा तो ट्रंप साहब को इंटरव्यू देते हुए 6 अप्रैल के आसपास, तो उन्होंने ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू में एक प्रेस रिपोर्टर से बोला कि व्हाट डू यू हैव टू लूज, मतलब ठीक है ना, क्या दिक्कत की क्या बात है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले सकते हैं। तो अचानक ट्रंप साहब इतने स्टॉन्च सपोर्टर कैसे बन गए, इतना एग्रेसिवली इसको एडवोकेट कैसे कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, दुनिया के अगर सबसे ताकतवर देश और उनके भी राष्ट्रपति अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना बज क्रिएट करता है ये। तो देखिए, ट्रंप साहब के ट्रेड एडवाइज़र हैं मिस्टर लैरी एलिसन, जो कि खुद एक बिलियनियर व्यक्ति हैं, जो कि को फाउंडर एंड CTO हैं ओरेकल के। तो ये ट्रंप साहब के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। और ना सिर्फ ये, मिस्टर रुडॉल्फ जो कि न्यूयॉर्क के भूतपूर्व मेयर रहे हैं और लॉयर भी हैं, ये भी ट्रंप साहब के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, उसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के। इस वीडियो को पॉज करके पहले इस ट्वीट को पढ़िएगा, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 100% इफेक्टिव है कोविड-19 के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश और वो भी उनके राष्ट्रपति अगर किसी ड्रग के लिए इतना ऑप्टिमिस्टिक शायद छोटा वर्ड हो जाएगा, एग्रेसिवली एडवोकेट करेंगे अगर किसी ड्रग को, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में एक बज एक डिबेट क्रिएट करना स्वाभाविक सी बात है। न्यूयॉर्क जैसे शहर जो कि ऑलरेडी इतनी डेस्परेट स्थिति से गुजर रहा है, वहाँ पे भी आप अचानक देखेंगे तो सारे के सारे साइंटिस्ट एक भगदड़ में लग गए हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को चेक करो यार, पहले बाकी चीज़ें छोड़ो आप। साइंटिस्ट आर रेसिंग टू फाइंड द बेस्ट ड्रग टू ट्रीट कोविड-19। ये मैंने द वर्ज का कटआउट लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अभी देखेंगे कि ट्रंप साहब ये जो ट्वीट कर रहे हैं, क्या वाकई में ये इतना पॉजिटिव ड्रग है या इतना बढ़िया ड्रग है? देखिए, इसके इनिशियल साइन तो काफ़ी इनकरेजिंग थे, ये बात तो है, लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे फिजिशियंस ने बोला कि बाद में ये भी देखा गया कि थोड़ा एडवर्स इफेक्ट देखा गया। एंड इसके अलावा एक और बात, सब काफ़ी सारे फिजिशियंस ने ये कहा कि हाँ, इनिशियल साइंस जो थे वो उसके एनकरेजिंग थे, लेकिन अभी हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम ये बोल सके कि हाँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लिया जा सकता है। लेकिन ट्रंप साहब इतना एग्रेसिवली जो इसको एडवोकेट कर रहे थे, तो मिस्टर एंटनी फॉसी को आना पड़ा खुद। आपने अगर एंटनी फॉसी साहब को देखा हो तो बहुत अभी न्यूज़ में, ये भी फेडरल गवर्नमेंट के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, एंटनी फॉसी साहब को खुद मीडिया के सामने आना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि ले मत लेना भाई ये ड्रग, अभी इतना ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं है, इतना बड़ा सैंपल स्पेस नहीं है हमारे पास, पता चला इस ड्रग को लिए कुछ का कुछ हो गया, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस ड्रग को अपने हिसाब से कुछ भी करके ले मत लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप साहब के ट्रेड एडवाइज़र जो लैरी एलिसन, जो कि खुद एक बिलियनियर है, वो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। इनके अलावा एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक शो आता है डॉक्टर ऊज शो, ये साहब जो है इनका नाम है महमद ऊज साहब की वैसे बात हो रही थी ट्रंप साहब के एडवाइजर्स थे और ये साहब भी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक हैं इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, और वो बिल्कुल इस चीज़ को पुश कर रहे थे कि एक्सपेडाइट करो ना इस अप्रूवल को यार, इतना बेहतरीन ड्रग अपने हाथ में लगा हुआ है, एक्सपेडाइट करो। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हेडिंग दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हेडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की है, ट्रंप्स एग्रेसिव एडवोकेसी ऑफ मलेरिया ड्रग, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में, ऑफ ट्रीटिंग कोरोना वायरस डिवाइड्स मेडिकल कम्युनिटी। तो एक तरफ तो मेडिकल कम्युनिटी जो है वो कुछ, उनका कहना है कि साइंस काफ़ी एनकरेजिंग है, दूसरों वालों का कहना है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बाद में एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, या फिर ये भी कहना है कि नहीं सर अभी एनकरेजिंग है, ये भी नहीं बोल सकते, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सैम्पल स्पेस, अभी हम सर लेबोरेटरी में ट्राई करके इतना हम रेडिली इसको सपोर्ट नहीं कर सकते।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क के भूतपूर्व मेयर मिस्टर रुडॉल्फ के बारे में बताया, तो अचानक रुडॉल्फ साहब कैसे पॉजिटिव हो गए, ऐसा क्या डॉक्यूमेंट इनके पास हाथ लग गया? तो रुडॉल्फ साहब जो पॉजिटिव इसके बारे में इतना ऑप्टिमिस्टिक हुए इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, वो उसकी स्टोरी आती है डॉक्टर व्लादिमीर जेलिंको, यहाँ से कनेक्ट है इनका। तो डॉक्टर व्लादिमीर जेलिंको साहब जो है, जो कि इनकी भाषा में बताऊंगा तो एक सिंपल से एक कंट्री डॉक्टर है, तो अचानक कंजर्वेटिव मीडिया ने इसको इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आए, तो डॉक्टर व्लादिमीर जेलिंको साहब ने बोला कि एक बढ़िया कॉकटेल बनाओ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को यूज़ करो, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ करो एंड उसके अलावा जिंक सल्फेट को यूज़ करो, और ये बेहतरीन तरीके से आपका कोविड-19 से लड़ने के लिए ज़बरदस्त ड्रग बनेगा। ये खबर पहुंची FDA तक के, यूनाइटेड स्टेट्स का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची। FDA ने बोला देखो भाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तुरंत के तुरंत देखो। FDA ने पाया कि हाँ हम लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए परमिशन दे रखा है, लेकिन मलेरिया के यूज़ करने के लिए, मलेरिया के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए एंड ल्यूपस LUPUS ल्यूपस के अगेंस्ट। तो तुरंत तुरंत एकदम तुरंत तुरंत FDA ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एमरजेंसी ऑर्डर निकाला, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। तुरंत तुरंत एक ऑर्डर निकाला और डॉक्टर्स से कहा कि कोरोना वायरस पेशेंट के केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ करने से फ़ायदा होगा तो अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए। मीनवाइल ट्रम्प साहब तो ट्रम्प साहब हैं, तो ट्रम्प साहब ने फिर मीनवाइल ये कहा, लोगों से ये कह दिया कि भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी 29 मिलियन डोसेस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के, और उसके बाद भी चिंता मत करना, अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग इंडिया से ले आएंगे। डॉक्टर रॉय साहब जो इन डॉक्टर रॉय साहब, इनका भी मैं आपसे ज़रा सा स्लाइट ओपिनियन शेयर करता हूँ। डॉक्टर रॉय जो कि चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन साहब ने कहा कि देखो ऐसा नहीं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को ऐसे चने मुर्रे की जैसे जितना चाहे खा लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को केस बाई केस हिसाब से हम लोग रिकमेंड करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अपने हिसाब से जितना चाहे ले लीजिए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये चीज़ लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। आप मुझसे ये पूछेंगे सर एक बात है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी इतना डिवाइडेड क्यों है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव में? पहले मैं आपको एक सिंपल सी फिलॉसफी बताता हूँ। देखिए ऐसा है सिंपल सी भाषा में कि जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत सारा अबंडेंस ऑफ बेनिफिट नहीं देख लेती है किसी भी ड्रग का, सिंपल सी बात है दे डोंट रेकमेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेस्परेट टाइम्स। अरे कितना भी डेस्परेट टाइम्स हो, अब आप एक तरह सोचोगे तो बिल्कुल ठीक बात भी है, कितना भी डेस्परेट टाइम्स हो, एम्पल अमाउंट ऑफ एबंडेंस जब तक क्लियर ना हो तब तक साइंटिफिक कम्युनिटी किसी भी ड्रग को प्रमोट नहीं करती है। जहाँ तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात है, सही बात है कि इसके इनिशियल साइंस काफ़ी एनकरेजिंग थे, बिल्कुल सही बात है, बट लेकिन इस ड्रग का मेजर साइड इफेक्ट्स भी हैं। देखिए मैं आपको एक आपको गार्जियन का कटआउट दिखाता हूँ, ये रहा गार्जियन का कटआउट, ट्रंप टाउट्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एज अ क्योर फॉर कोविड-19, डोंट बिलीव द हाइप। सीधा आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने, डोंट बिलीव द हाइप। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जहाँ तक ये बात आती है तो इसके इनिशियल साइंस एनकरेजिंग थे, लेकिन मेजर नेगेटिव इफेक्ट्स भी होने के कारण साइंटिफिक कम्युनिटी इसको रेडिली प्रमोट नहीं कर पा रही है, इसके लिए रेडिली हाँ नहीं बोल पा रही है। ट्रंप साहब ने इस बीच एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्वीट है 21 मार्च 2020 का, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रंप साहब की प्रोफाइल है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन टेकन टुगेदर हैव अ रियल चांस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर इन द हिस्ट्री। आप समझ रहे हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का ट्वीट है ऐसे ड्रग के बारे में जिसके बारे में अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि हाँ वाकई में कोविड-19 के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब आप सोचिए कितना बड़ा ट्वीट है ये, द FDA हैज़ मूव्ड माउंटेन्स, थैंक यू, होपफुली दे विल बोथ बोथ। कहने का मतलब यहाँ पे एच इन्होंने लिखा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए, बेटर विथ ए एजिथ्रोमाइसिन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इस ट्वीट को इन्होंने कंटिन्यू किया है, बे पुट इन यूज इमिडिएटली, पीपल आर डाइंग, मूव फास्ट, गॉड ब्लेस एवरीवन। इस ट्वीट का रिप्लाई बहुत सारे लोगों ने किया था, मैं कटआउट आपके लगा हूँ, ये ट्वीट आप चेक कर लीजिएगा, 21 मार्च का ट्रंप साहब का ट्वीट है ये। एक रिप्लाई मैंने रखा है देखिए उसी 21 मार्च का, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन टू ट्रीट कोरोना वायरस हैज नॉट प्रूवन सेफ इफेक्टिव थ्रू लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स। अरे सर इतना, ये तो छोटे से सैंपल स्पेस पे इतना बड़ा ट्वीट कर देना सर, ये तो डेंजरस है। ये मतलब इस चीज़ का सर, ये अभी तक ये प्रूव हुआ ही नहीं है कि सेफ है इतने बड़े, ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, हमको और अभी और प्रूफ चाहिए इसके।
देयर इज ओनली एनेक्डोटल एविडेंस फ्रॉम केस रिपोर्ट्स इन कंट्री ओवरसीज. ये ओवरसीज जो कह रहे हैं ये दो कंट्रीज के बारे में कह रहे हैं, चाइना के बारे में और फ्रांस के बारे में मेरे ख्याल से, क्योंकि यही दो कंट्रीज जहाँ पे शुरू में पहले फ्रांस से एक पॉजिटिव खबर आई थी मेरे ख्याल 17 मार्च के आसपास, और उसके बाद चाइना से भी एक पॉजिटिव खबर आई थी इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए. ठीक है, प्रॉमिसिंग देम अ मिरेकल ड्रग गिव्स फॉल्स होप. क्लियरली इन्होंने लिख दिया कि फॉल्स होप है भाई, ऐसा मत करो. जैसे मैंने आपको बताया ट्रम्प साहब ने जो ये चीज़ ट्वीट किया ना, इसका ओरिजिन तो एक्चुअली फ्रेंच स्टडी है, वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ. पहले उसके पहले मैं आपको ज़रा क्लोरोक्विन के बारे में थोड़ा पहले आपको बताता हूँ. देखिए क्लोरोक्विन ना मलेरिया के लिए ऐसा नहीं कि आजकल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 1930 से तकरीबन आज से 90 साल पहले से मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन यूज़ कर रहे हैं. इसके 10-1 साल के आसपास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आया. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन में फ़र्क ये है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट्स क्लोरोक्विन से काफ़ी कम है तकरीबन एक दशक के बाद. आज के टाइम पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है इस नाम से जेनरिक फॉर्म में बिकता है जिसका नाम है प्लेक्विनिल. तो प्लेक्विनिल नाम के जेनरिक ड्रग के नाम से जेनरिक फॉर्म में ये बिकता है, ये रहा यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. राइट, अब ये बोल देना कि क्या दिक्कत है यार, ले सकते हैं, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत ही लूज स्टेटमेंट है एंड रियली सॉरी टू से काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी है. इसलिए क्योंकि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या फिर एजिथ्रोमाइसिन जो कि दोनों एंटी मलेरियल ड्रग हैं, अगर इसको लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, देखिए इसके बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स भी हैं. हार्ट रिदमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिला है, लो ब्लड प्रेशर, इसके अलावा मसल और नर्व डैमेज तक देखने को मिला है. इनफैक्ट आप प्लेक्विनल के बॉक्स में ही देखेंगे तो इनका कहना यह होता है कि अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस दवा को ले रहे हैं और बहुत ही हाई डोसेज में ले रहे हैं तो इट हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू डैमेज द रेटिना एज वेल. इसके अलावा अगर सर्टेन अदर मेडिसिन के साथ भी इसको ले रहे हैं, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली समवन इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, तो जैसे कि आप ड्रग ले रहे हैं मान लेते हैं टोमेक्सिफेन, तो इसके सीवियर रिपरकशंस हो सकते हैं. एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मैग्नम मे, तो मैग्नम मे जी ने जो कहा मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ. उन्होंने कहा कि क्लोरोक्सीक्विन जो है इसके मेजर, ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक ड्रग है और इसके मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो कंपेरेटिवली क्लोरोक्विन से तो सेफ है, लेकिन हाँ इसके भी मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. देखिए एक साइंटिफिक जर्नल है जिसका नाम है नेचर मेडिसिन. इस नेचर मेडिसिन में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि अभी इतने जल्दी इतना एविडेंस नहीं है कि हम इसके बारे में ये बोल सकें. हाँ हालांकि एक बात ज़रूर है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लैब कंडीशन में, फिर से बोलता हूँ, लैब टेस्ट में, लैब में और रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है. तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लैब टेस्ट में तो कम से कम ये देखा गया है कि ह्यूमन सेल में उसकी एंट्री को, कोरोना वायरस की एंट्री को कर्ब कर देता है, मतलब कंट्रोल कर देता है. लेकिन यही चीज़ ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ देखना अभी बाकी है, क्या ये सिमिलर इफेक्ट कॉज करता है. दूसरी चीज़ ये है कि लैब टेस्ट में आप ड्रग का लेवल कितना भी एक्सटेंड तक लेके जा सकते हो, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एक ह्यूमन बीइंग, क्या ह्यूमन बीइंग के साथ आप उस लेवल का ड्रग मतलब वो ले सकता है कि नहीं, तो लैब की कंडीशन और रियल लाइफ की कंडीशन में बहुत बहुत डिफरेंस होता है. अच्छा लेटली अभी एक और रिपोर्ट आई थी, वो थी चाइना की एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि उन लोगों ने 100 पेशेंट्स को 10 अलग अलग हॉस्पिटल के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया और वहाँ पे थोड़ा सा तो फ़ायदा देखने को मिला था. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओपिनियन इसके फेवर में, अगेंस्ट में, इस तरह से बहुत सारे ओपिनियन देखने को मिले. तो चाइना में भी बोला गया कि हाँ हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया, 100 अलग अलग पेशेंट्स को दिया, वो भी 10 अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिया, और सभी का डिग्री ऑफ इलनेस भी अलग अलग था, और ये उनको वेरियस अलग अलग डोसेज दिए अलग अलग लेंथ ऑफ टाइम के लिए, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला. आप ना एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में पुराना वीडियो देखेंगे ना तो आपको ये एक मेडिसिन देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैंने जिक्र किया था, जो ये दोनों के दोनों बेसिकली एंटी HIV ड्रग्स हैं, लोपिनेविर एंड रिटोनेविर. ये दोनों के दोनों एंटी HIV ड्रग्स, और फरवरी के मंथ में ये लोग काफ़ी न्यूज़ में थे, लेकिन ग्रेजुअली फिर ये न्यूज़ भी फेड अवे हो गई कि नहीं यार ये इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ज़रूरी नहीं है कि अच्छा नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं हो COVID-19 के लिए. द पॉइंट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फ़ायदेमंद है या फ़ायदेमंद नहीं है, इसके लिए वी नीड मोर एकेडमिक एनालिसिस. अभी ये बहुत ही ना सब्जेक्टिव बात हो जा रही है, अभी ये बहुत ही लैब के बेसिस पे आप इतना बड़ा क्लेम कर देना कि हाँ ले सकते हैं, शायद ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. आपको लगेगा सर सब जब सब सभी डॉक्टर्स आपने बोला कि
क्योंकि लोग फेवर कर रहे हैं, तो ये हुआ कहाँ से? देखो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एक और एंटीबायोटिक जो मलेरिया, एक और एंटीबायोटिक ड्रग जो है एजिथ्रोमाइसिन के साथ लेना है, ये चीज़ आई कहाँ से थी? तो ये चीज़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन को साथ में लेना है, ये बेसिकली 17 मार्च को एक फ्रेंच स्टडी जो कि फिलिप गौत्रेत साहब जो कि फ्रांस के हैं, इनकी स्टडी जो कि मार्सिली की स्टडी थी उसमें ये चीज़ आई थी। तो 17 मार्च को इन साहब ने एक बात कहा, 17 मार्च मतलब पिछले महीने, तो 17 मार्च को इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, मैंने एक छोटा सा सैंपल स्पेस, इन साहब ने कहा कि इन्होंने एक छोटा सा एक सैंपल स्पेस लिया 8080 पेशेंट्स का। ध्यान रखिएगा 8080 पेशेंट्स में उनको कोई कोई और दिक्कत नहीं थी, और जो सिम्टम्स थे वो भी बहुत ही माइल्ड थे, और जो इसके रिजल्ट थे बहुत ही एनकरेजिंग थे। किसके किस चीज़ के रिजल्ट बहुत ही एनकरेजिंग थे? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेने के, राइट। तो ये चीज़ कहाँ से आया मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए तो इन्होंने बोला कि एक छोटा सैंपल स्पेस लिया मैंने 80 पेशेंट्स का, इसमें से एक और बात इन्होंने कहा कि सिम्टम्स तो माइल्ड थे और 85% लोगों को फीवर ही नहीं था, फीवर का सिम्टम ही नहीं था। यार फीवर तो वायरस के इफेक्ट का सबसे बड़ा टेल टेल सिंबल है, सबसे बड़ा मेजर आपको सिम्टम देखने को मिलता है, टेल टेल इतना एकदम क्लियरली विजिबल सिम्टम है। खैर जो भी है, तो इन साहब ने कहा कि हाँ इस वक्त पे जब इनको पेशेंट्स को दिया गया तब तो इनको काफ़ी मतलब बेटर लगा, लेकिन जब 85% पेशेंट्स को कोई फीवर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, माइल्ड सिम्टम नहीं था, जब माइल्ड सिम्टम था तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई भी और ड्रग दिए होते ना तो भी शायद वो इम्प्रूव कर जाते। हाँ इसी दौरान ये हुआ कि एक और जो प्रोफेसर एंड इम्यूनोबायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डिडियर रॉल्ट साहब, हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रोफेसर हैं और काफ़ी फेमस तो हैं, इम्यूनोबायोलॉजिस्ट हैं, इन साहब ने कहा कि हाँ मैं भी बिलीव करता हूँ, बिल्कुल मैं भी बिलीव करता हूँ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बिल्कुल फ़ायदेमंद ड्रग है। हालांकि बहुत बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट है। मेड आर एक्स आई वी, इसमें एक रिपोर्ट छपी थी चाइना के ही वुहान शहर का, ये जो हॉस्पिटल है ये है रेनमिन, RENMIN, रेनमिन हॉस्पिटल की, वहाँ पर भी इन्होंने बताया था कि हम लोगों ने भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा तो पॉजिटिव आउटकम देखा है। अब आपको लगेगा कि सर एक बात आइए, जब हर जगह पे आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव ही है तो फिर इसको इसके अगेंस्ट में कौन है, इसकी रिबटल कौन कर रहा है, रिबट मतलब रिफ्यूज़ कौन कर रहा है इस आर्गूमेंट को? मेरा आपको क्या पता है, अभी फ्रांस के डॉक्टर साहब ने हाँ हाँ बोला इस चीज़ को, इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, और चाइना का बताया मैंने आपको, फ्रांस के एक और डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने इसके जो इसके अगेंस्ट में, और चाइना के भी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्रांस में, तो फ्रांस में आप जाएंगे तो जीन माइकल मोलिना साहब जो कि फ्रांस में पेरिस में हॉस्पिटल सेंट लुइस में, इनके पास एक छोटा सैंपल स्पेस इन्होंने बताया, एक छोटा सैंपल्स मतलब एक 11 पेशेंट्स थे, इन 11 पेशेंट्स को इन्होंने भी वही चीज़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया। हाँ एक बात ज़रूर है कि इन 11 पेशेंट्स में से काफ़ी लोगों को पहले इनको एग्जैक्टली सेम डोसेस दिया जो फिलिप गौत्रेत साहब दे रहे थे। इन 11 पेशेंट्स में से 8 पेशेंट का अंडरलाइंग कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड कंडीशंस थी। इसमें ये देखा गया कि 10 पेशेंट्स जो थे, उन 11 में से 10 पेशेंट जो थे उनकी तबीयत में ज़्यादा कोई सुधार ही नहीं हुआ। एक पेशेंट, ये चीज़ कब की बात है, जब 5-6 दिन तक के मेडिसिन दिया गया उसके बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो 5-6 दिन जो मेडिसिन दिया गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये 600 mg दिया गया और 10 दिनों तक के दिया गया। तो इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन जो है पहले दिन तो 500 mg दिया गया था और डे नंबर 2 से लेकर डे नंबर 5 तक के 250 mg दिया गया था। उसके बाद ये पाया गया था कि जो 11 में से एक व्यक्ति तो वैसे तो नहीं रहे, अब बचे 10, 10 में से 8 लोग हैं उनकी कंडीशन में कोई बेहतरी नहीं हुई थी, इनफैक्ट 2 लोगों को तो ICU में शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई थी। इसी तरह से चाइना से भी कुछ और स्टडीज़ हैं, उसमें भी कहा गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए इतना एविडेंस नहीं है कि हम हाँ ये बोल दें कि इसको रेडिली यूज़ कर सकते हैं। बाद में जीन माइकल मोलिना साहब ने भी एक बात का मैं आपको शेयर करता हूँ, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार इस पूरी चीज़ को पढ़िएगा। इन्होंने जीन माइकल मोलिना साहब ने कहा कि बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास इतना सैंपल स्पेस नहीं है, जैसे जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ को यूज़ करेगी तो समझ में आना शुरू होगा कि वाकई में इसका यूसेज है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक
लैब में हम लोगों ने यूसेस देखा है, तो अभी वो उसका हमारे पास इतना इतना थेरी नहीं, इतना हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है इस चीज़ को ये सॉलिड तरीके से बोलने के लिए कि हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, फ्रेंच गवर्नमेंट ने 23 मार्च को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज़ करने के लिए परमिशन ऑलरेडी दे रखा है। तो इस चीज़ ने अभी फ्रेंच गवर्नमेंट को तो स्टॉप नहीं किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने दे दिया इस चीज़ के लिए परमिशन। अब बात आती है ट्रंप साहब, जो ट्रंप साहब ने इंडिया से डिमांड किया। पहले मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में जेनरिक ड्रग्स का सबसे बड़ा जो सप्लायर हुआ है हमारा प्यारा भारत, दुनिया में जेनरिक ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है भारत। अब क्या हुआ था, 6 अप्रैल 2020 को हम लोगों ने दो ड्रग्स, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ध्यान से सुनिएगा, एंड पैरासिटामोल, ये दोनों के दोनों ड्रग्स लाइसेंस्ड कैटेगरी में रखा था, राइट। इसके पहले और हम लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासिटामोल इन दो ड्रग्स को तो लाइसेंस्ड कैटेगरी में रखा था, एंड 14 ड्रग्स 14 + 2 कितने हुए, 16 हुए। इसके पहले एक्चुअली क्या हुआ था, ये 16 के 16 ड्रग्स पे एक्सपोर्ट के लिए बैन लगा दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। बाद में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड पैरासिटामोल को लाइसेंस्ड कैटेगरी में रखा और ये 14 के 14 ड्रग्स पे बैन बिल्कुल हटा दिया था। इसके बाद हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन अनुराग श्रीवास्तव साहब ने एक बात कहा। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इन इस वीडियो को पॉज करके इस मैसेज को पढ़िएगा। इस मैसेज में कुल मिला के ये लिखा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पे हम लोग जहाँ पर भी ये पेंडेमिक ने इतना उत्पात मचा रखा है वहाँ पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, मतलब इस दवा को बिल्कुल भेजेंगे। तो ट्रंप साहब के मैसेज के पहले ये चीज़ तो ऑलरेडी बोली जा चुकी थी, इसमें ऐसा नहीं है कि हम इन्होंने नहीं बोला था। इसके अलावा अनुराग श्रीवास्तव साहब ने बोला, जिस तरह से दुनिया में एक जिम्मेदार सरकार होती है उस तरह से हम भी हैं, और हम पहले अपने देश के लोगों के लिए इस मेडिसिन को रखना चाहते हैं। अगर आज से कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि हाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाकई में COVID-19 के लिए इफेक्टिव है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास होना भी तो चाहिए। इस बीच में ट्रंप साहब ने धड़ाधड़ एकदम एक से एक चीज़ें बोल दिया। ट्रंप साहब ने बोला, आई डोंट लाइक दैट डिसीजन की उसका बैन लगाना, ठीक है, आई डोंट लाइक दैट डिसीजन, आई डेंट हेयर दैट वॉज हीज डिसीजन। हीज यहाँ पे मोदी साहब के लिए वो बोल रहा है। तो ये चीज़ बोला था उन्होंने 6 अप्रैल को व्हाइट हाउस में, राइट। ना सिर्फ ये उन्होंने बोला था, आई वुड बी सरप्राइज इफ दैट वॉज हीज डिसीजन, ही वुड हैव टू टेल मी दैट, एंड मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर मोदी साहब बैन को, एम्बार्गो मतलब ट्रेड बैन, उसको हटा देंगे और अगर हमारे पास वो ड्रग को भिजवा देते हैं। हालांकि इन ट्रंप साहब ने एक और बात बोला था कि ऐसा नहीं है, हमारे पास 29 मिलियन क्लोरोक्विन तो है, क्लोरोक्विन या फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो है, लेकिन अगर थोड़ा और ज़्यादा आता है तो अच्छी बात ही है, इफ इट डजेंट इट विल बी ओके, लेकिन हम रिटेलिएशन तो इसका होगा। देखिए इस मैसेज को सिर्फ ऐसा जज मत कीजिए कि रिटेलिएशन, अरे रिटेलिएशन कहाँ से होगा, ऑलरेडी अनुराग श्रीवास्तव साहब ने इस चीज़ को अनाउंसमेंट कर रखा था पहले ही कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोग इस ड्रग को रिलीज कर रहे हैं, और दुनिया में वो देश जहाँ पे ये पेंडेमिक इतना खतरनाक हो रखा है हम वहाँ पे वैसे ही भेजेंगे, तो इसमें कोई बात ही नहीं है रिटेलिएशन या नॉन रिटेलिएशन वाली, राइट। ट्रंप साहब के ठीक पीछे पीछे ट्रंप साहब को आदर्श मानने वाले जायर बोल्सोनारो साहब को अगर आप पहचानते होंगे तो इसराइल के कौन है ये, इसराइल के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो साहब ने जो स्टेटमेंट बोला, उन्होंने ये कहा कि मैं इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे एक्सपोर्ट बैन हटा दे और हमको भी दे दे। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा, आई आस्क प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर हिज सपोर्ट इन कंटिन्यूइंग द सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, We will spare no effort to save lives. ये स्टेटमेंट है जायर बोल्सोनारो साहब का, ठीक है। मैं पहले आपको एक और बात बताता हूँ, ये स्टेटमेंट 6 अप्रैल को इन्होंने दिया था। देखिए इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाती हैं, जैसे कि IPCA बनाती है, इसके अलावा जाइडस कैडिला बनाती है, इनके पास वैसे ही प्री ऑर्डर्स थे US के, ब्राज़ील के, सार्क कंट्रीज़ के, यूरोपियन यूनियन के और ऐसे कुछ कंट्रीज़ के थे, कई कंट्रीज़ के प्री ऑर्डर्स ऑलरेडी इनके पास थे, राइट। ऐसा नहीं कि इनके पास ऑर्डर्स नहीं थे। अब आप मुझे पूछेंगे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कि सर इसको कंज्यूम करना डेंजरस है क्या, बहुत ज़्यादा, सोचिएगा भी मत इस चीज़ को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कंज्यूम करने का कि ये COVID-19 का एक ज़बरदस्त सोल्यूशन है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एंटनी फॉसी साहब जैसे इतने बड़े डॉक्टर जो हैं, इतने बड़े एडवाइज़र जो हैं, उनकी बात को, इतने बड़े मेडिकल एडवाइज़र की बात को नज़रअंदाज करके, इतने बड़े स्टेटमेंट को ब्रेजनली, मतलब इनके स्टेटमेंट को ब्रेजनली नेगलेक्ट करके इतना बड़ा पॉइंट पुश कर देना कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हाँ बिल्कुल लो, ये बहुत ही बड़ा रेमेडियल सोल्यूशन हो सकता है, ये शायद थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ना वन ऑफ द मेडिसिन है, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जिस पर साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ध्यान रखे हुए है, जिस पर काम चल रहा है। एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे रेमडेसिविर, रेमडेसिविर जो है बेसिकली वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है, इस पर भी काम चल रहा है अभी, इसको भी देख रहे हैं ये। और ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो बेसिकली वायरस के बॉन्डिंग को ह्यूमन सेल से बॉन्ड होने से रोकती है, ऐसे भी कई मेडिसिन पे काम चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसे भी जो कोरोना वायरस वायरस के लिए जो इंसान है उसका इम्यूनिटी को, इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करती है, जैसे कि पूरा का पूरा IL-6 इनहिबिटर्स की फैमिली है। तो इसमें बहुत सारे मेडिसिन पे काम चल रहा है, ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो सकता है वायरस पे डायरेक्टली इफेक्ट करे या इम्यून रिस्पॉन्स को इफेक्ट करे, लेकिन वन ऑफ द मेडिसिन है। ये बोल देना कि दैट दिस इज द मेडिसिन, ये शायद बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यस है, इसका हिस्ट्री कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई एंटी इम्यूनो डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ल्यूपस के लिए बिल्कुल यूज़ किया जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसमें ये भी पॉइंट रहता है कि कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि साइकोसिस, लॉस ऑफ विजन, सडन कार्डियक अरेस्ट तक देखने को मिला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसलिए मैंने बोला ना कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना वेरी 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 डेंजरस है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ऐसे जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, चाहे हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है या लिवर डिसफंक्शन का कोई कंडीशन है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को वैसे भी डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा देख सुन के रेकमेंड करते हैं, राइट। तो कुल मिला के ट्रंप साहब शायद इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए बहुत जल्दी में, लेकिन आप इतने जल्दी में मत रहना। अच्छा एक बात मैंने छोड़ दिया था, एक बात फिर से बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को अपडेट किया है। तो ट्रंप साहब ने अपना ग्रैटिट्यूड शो किया है इंडिया के लिए, थैंक यू इंडिया, ट्रंप शास प्रेज ऑन मोदी फॉर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ट्रंप साहब ने जो ट्वीट किया, एक बार पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा शायद पढ़ के। तो ट्रंप साहब ने अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अभी ट्वीट किया उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर इवन क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स, थैंक यू इंडिया एंड इंडियन पीपल फॉर द डिसीजन ऑन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विल नॉट बी फॉरगॉटन, भूलेगा मत, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का ट्वीट है। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर योर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन हेल्पिंग नॉट जस्ट इंडिया बट द एंटायर ह्यूमैनिटी इन दिस फाइट। और न सिर्फ इन्होंने, जायर बोलसिनारो साहब ने भी एक बहुत ज़बरदस्त तारीफ किया, उन्होंने कहा जैसे रामायण में देखा गया था जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो जिस तरह से हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं, वैसे ही सर आप लोग भी हैं, और एग्जैक्टली आप लोग भी उस तरह से हनुमान जी बन के हमारे लिए आ गए और यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को रिलीज़ कर दिया, इसके लिए ग्रैटिट्यूड मतलब आभार। तो ये था ये पूरा का पूरा टॉपिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। तो मेरे ख्याल से आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, जो भी डाउट था, क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई भी डाउट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, तो बिल्कुल मुझसे शेयर कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा भी आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक को मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊं। इसके अलावा बहुत सारे कहानी के रूप में भी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। ये जो वीडियोज़ है इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा, राइट। तो अपनी तरफ से बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। मीनवाइल ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।